अगर संतुष्ट होते तो फिर सरपंच है वो बेचारे लाइन में लग रहे हैं, जिनकी पेंशन बंद कर दी वो तंग है बेचारे, वो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं पंचकुला में, उनकी अभी वो प्रोटेस्टिंग चल रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। नंबर 3 युवाओं की देख ले, युवाओं को अग्निवीर के नाम पर कहते अभी 4 साल आप करोगे उसके बाद निकाल दिए जाओगे, तो एक झुंझुना दे दिया। पहले हरियाणा की सबसे ज़्यादा भर्ती आया करते हैं, लेकिन अभी माहौल आप सबके सामने हैं। और रही बात फैमिली आईडी के नाम पर, जो इनकी जो येलो कार्ड बनते थे वो भी निकाल दिए, तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा में बीजेपी और इसका गठबंधन का कोई वजूद है। आने वाले टाइम पे इनको जो भी चुनाव होंगे अगले साल, तो उनमें इनको पता लग जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया है, लोग इनसे कितने खुश हैं। तो बात करें युवाओं की, जो खेल कोटा था, एक बार आपने प्रदर्शन भी किया था, बाल हुआ था, उसके बाद फिर वो खत्म हो चुका है। अभी झूठे इतने हैं भाई, क्या करें हम भी, क्या करें अभी, कितने के दिन कहते हाथ पैर मारा, आदमी देख ले भाई हाँ हमने तो कोशिश करी है, प्रयास करे, लेकिन अभी ना करते भाई, फिर झूठ बोल के कहते मुकर जा है, तो लोग देखनी पड़ेगी नहीं, हम तो अपना तो काम करा ना, हमने तो प्रोटेस्ट करे, लेकिन उसके बाद झूठ बोल के मुकर गए, तो फिर बंदा थोड़ी ना रहा, जो अपनी बात से मुकर जाए वो आदमी थोड़ी ना है, उसने कोई भी नाम दे दो वो आदमी है। तो सारे जो युवा हैं गुस्से में है, ऑफकोर्स वो कहते हैं भाई साहब फिर प्रोटेस्ट करूँ, मैं प्रोटेस्ट पे कुछ नहीं मिलना, मैं क्या ये तो बदलनी पड़ेगी सरकार जब है, तो तेरा कुछ भला उसका है। मैं क्या हमारी सरकार आई तो पहली योजना में इस सब चीज़ों को दोबारा से जैसे पहले थी वैसे ही लागू करेंगे हम इस चीज़ को। बात करें दूसरे मुद्दों की, खासकर जो आजकल युवाओं में नशे की प्रवृत्ति काफी बढ़ चुकी है, भाई नशा बहुत बहुत ज्यादा जी केस आ रहे हैं हरियाणा में। जी बिल्कुल बहुत, इस सरकार ने काम ये किया है, जो कहते हैं कि जो पंजाब का हाल था वो ऐसा हाल अभी हरियाणा के, जो जो भी नहीं भी, बिकॉज मेरी भी पुलिस वाले बहुत सारे दोस्त हैं जो सिरसा से लगते इलाके हैं, जो अपने पंजाब से बॉर्डर टच होते हैं, वहाँ पे जो सिचुएशन है इतनी ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो सब पूछते भाई मंदिर बन गया, वो सब किसी मुद्दे ही बात करो तो मंदिर पर उलझा देते हैं, मुद्दे ही बात करो तो फिर हिंदू मुस्लिम में उलझा देते हैं, फिर वो मुद्दे ही बात करो तो भाई जाट नॉन जाट में उलझा देते हैं। तो भैया टाइम आ गया है, इनको बदल दो, बहुत टाइम हो गया, नहीं तो हरियाणा का नाश होना ज़रूरी है। तो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, आप भी उसमें शामिल रहे हैं काफी बार, तो लगता है उससे कोई बदलाव आएगा देश में, प्रदेश में? जी उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने जो गलत हो रहा था उसके सामने आवाज़ उठाई कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा साथ दो, तो उन्होंने अपना काम, कहते हैं कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की हो, कहते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, वो पैदल चले, मैं भी खुद चला उनके साथ, हर रोज़ 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलते थे, उसके बाद में और कार्यक्रम थे वो करते थे, तो एक हिंदुस्तान को एक सूत्र में जोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। उन्होंने अपना काम किया, अब जनता का काम है कि उनका साथ देना, उन्होंने अपने प्रयास किए कि भैया हिंदुस्तान हमारा था, है और आगे भी रहेगा, तो आप अब आपकी बारी कि हिंदुस्तान के लोग कितना लोग इस चीज़ को चाहते हैं। राहुल गांधी ने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा कांग्रेस जुड़ नहीं पा रही आपस में, आप भी जूतम पदार्थ जी देखिए, कहते हैं घर में जब भांडे होते हैं ना खड़कते ही हैं थोड़े से, तो हर एक परिवार में हर एक कहते राजनीति पार्टी में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब सरकार बनेगी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात करें विजेंद्र सिंह की फिल्मों की, तो कौन सी फिल्में हैं जो आने वाली हैं और वेब सीरीज? जी बस इंतज़ार कीजिए सर, अभी आपने तो एकदम राजनीति की तरफ लेके फिर एकदम बॉलीवुड की तरफ फेंक दिया, तो फिर यह बात तो ठीक होना नहीं हुए है ना, तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, और अपनी जागली वाली फिल्म आओगी आई पे थमसम ना पता लग जाएगी, ईद पर आओगी रिलीज होगी, तो अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया बेहतरीन है। सलमान खान के साथ? हाँ जी सलमान खान मेन हीरो हैं, हम तो कहते हैं कि काम करें उस फिल्म में, दैट्स इट। वेब सीरीज में काम कर रहे हैं? सर मैं बताऊं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब बताऊंगा सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि ये पाइपलाइन में है अभी, तो धीरे धीरे काम आएंगी, बाहर आएंगे। तो आपके चुनाव की बात करें तो आपकी क्या तैयारी है, कहाँ से तैयारी? भाई जहाँ जनता प्यार करे वहीं पहुँच जाएंगे हम तो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, जहाँ भी कहेंगे कि भाई यहाँ विजेंद्र सिंह इस साइड आ जा, तो आप जनता से पूछ लियो कि विजेंद्र सिंह की भिवानी से लड़वाना है, हिसार से लड़वाना है, दिल्ली से लड़वाना, राजस्थान से लड़वाना है, पूछ लियो एक बार प्लीज़। तैयार हैं? तो बिल्कुल तैयार हैं भाई, कहते ना तो कहते लकड़ी को नमोते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।